खबर रायबरेली से है। रायबरेली जिले के थाना डी क्षेत्र पूरे बाबू छतरपाल सिंह मजरे टेकारी दांदू निवासी सरोजनी देवी पुत्री हीरालाल ने बताया कि विपक्षी गांव के ही चंद्रभूषण सिंह पुत्र बैद्यनाथ सिंह अशोक पुत्र सुंदर सिंह चंदर पुत्र सुंदर सिंह ने अपने अपने दरवाजे पर मिट्टी का बंदा लगा लिया है, जिससे बरसात का पानी भरा हुआ है और अब विपक्षीगढ़ पुलिस के बल पर मेरे मकान के नीचे से पानी निकलवाना चाह रहे हैं और मेरी नहीं सुनी जा रही है, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रायबरेली से शिवशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सरोजनी देवी। आपके पिता का क्या नाम है? हीरालाल सिंह। कहाँ के निवासी हैं? पूरे बाबू छतरपाल सिंह के परवाह। पूरे बाबू छतरपाल सिंह के परवाह। मदरे दालू टिकारी। थाना कौन सा लगता है? डी। क्या है आपका पूरा मामला? हमारा मामला ये है कि गली में दोनों तरफ से मिट्टी डलवा के मेड़ बांध दी गई है और बीच में पानी भरा हुआ है और हमारे घर के अंदर से मकान के अंदर से बरामदा के अंदर से पानी निकलवावा जा रहा कि जबकि हमारे नलका का पानी निकलता है और जब मतलब पुलिस द्वारा पैंप डलवाई जा रही है और जबरन हमारे ऊपर को कार्रवाई की जा रही है। कौन कर रहा है जबरदस्ती? चंद्रभूषण सिंह। चंद्रभूषण? हाँ। और कौन से हैं? चंद्रभूषण सिंह है और उसके आगे चंद्र अशोक बांधे हुए हैं मेरे और चंद्रभूषण सिंह मेन चंद्रभूषण है इसमें। उनके पिता क्या नाम है? उनके पिता का नाम है बैद्यनाथ सिंह। और जबकि हमारे पिता और चंद्रभूषण सिंह दोनों भाई भाई हैं और हर जगह आधे का बंटवारा है उनका, लेकिन वो कहीं मानता नहीं कर रहे हैं। बहुत हमारे ऊपर जब दबाव किया था, मैं थाने दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई हूँ, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस हमारी कार्रवाई कहता है कि जो आपका काम सुना जाएगा, लेकिन मौके की जांच होती है तो? जब मौके की जांच होती है तो हमारे ऊपर को दबाव दिया जाता है कि तुम्हारे मकान के अंदर कमरा के अंदर बरामदा के अंदर जो पैप नलका का पानी का है उसी में पैप जोड़ दिया जाएगा। कल के हमारा परिवार भाई भाभी भतीजा पिता मतलब कोई हो जाएगा घटना तो उसका जिम्मेवार कोई होगा, कौन होगा? इसलिए हमारी विनती यही है कि हम ये चाहते हैं कि जो मेन रास्ता आम रास्ता गली का है गांव का, उसमें खरिंजा लग जाए, नाली निकल जाए और गांव समाज का निकाल हो जाए और इसलिए ये सब हल गांव का निकल जाएगा। यानी आपका मकान गिर सकता है? हमारा मकान सर गिर सकता है और कॉलोनी है हमारी।